हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों केवीएस का जो है कि कुछ सेंटर का एग्ज़ाम जो है फिर से होगा, ठीक है। ये आज ही की अभी आज ही जो है नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है जिन जिन सेंटर का फिर से दोबारा पेपर होगा। तो जो बच्चे अभी आंसर की आई थी, जो स्टूडेंट जो है कि फेल हो रहे थे, मतलब कम नंबर आ रहा था उन जिनका 100 के आसपास थे, 90-90, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये पेपर फिर से हो रहा है उनके लिए। हालांकि पढ़े हैं, एक एक हफ्ता का टाइम मिल रहा है तो आप जो है फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर जिन बच्चों का अच्छा नंबर था, अब वो उनको फिर से पढ़ना पता नहीं आए अच्छे से फिर कि नहीं आए, ठीक है, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो चलिए आइए हम सीधे सीधे नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं पूरी डिटेल, ठीक है। इससे पहले आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये नोटिस आज ही का, आज 9 तारीख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, सीधे सीधे 9/3/2023। तो यहाँ पे लिख रखा है दिनांक 28/2/2023 सेकेंड शिफ्ट को निम्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित प्राथमिक परीक्षा जो है प्राथमिक शिक्षक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा भर्ती संस्था जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर डिजिटल सेंटर है, बरिया रोड दादर जो है अय्यापुर है, मुजफ्फरनगर बिहार, ठीक है। इस परीक्षा केंद्र पर दिनांक 28/2/2023 को उपस्थित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि पुनः परीक्षा दिनांक 11 कब होगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है, इसको आप एक मत समझ लेना, ठीक है, ये 11 है, 11/3 यानी 11 मार्च को जो है आयोजित की जाएगी परीक्षा। में दिनांक 28/2/2023 को उपस्थित परीक्षार्थियों के नए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आपको मैं बता चुका हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, केवीएस ऑफिशियल वेबसाइट करके भी लिखेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर उपरोक्त पुनः परीक्षा में अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों, ठीक है। 11/3/2023 को पुनः परीक्षा जो है कराई जाएगी। तो आप लोग जो है कि इसके बाद कोई भी पेपर नहीं होगा, तो आप जो है कि अपना जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनका भी इस सेंटर पे था, सेंटर आप देख सकते हैं इस सेंटर पे जिसका भी था, ठीक है। अभी और भी कुछ परीक्षाएं जो होंगी, ठीक है, आप लोग अपडेट इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर नकल हुआ था, तो उनकी जो है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।